हाँ बेटी, अपने डैडी को जरा फोन देना। डैडी नहा रहे हैं अंकल। डैडी अब तक नहा रहे हैं? अच्छा बेटी, तो अपनी मम्मी को फोन देना। मम्मी भी डैडी के साथ नहा रही है अंकल। मम्मी डैडी के साथ नहा रही है? तुम क्या कर रही हो? मुझे ना बहुत सारी चिप्स, बिस्किट, ये सब मेरे सामने रखकर टीवी में टॉम एंड जेरी लगाकर वो नहाने चले गए अंकल। नहाने चले गए? तो जाकर दरवाजा खटखटाओ। आहा, सब खत्म हो जाने के बाद ही दरवाजा खटखटाने के लिए बोलकर गए हैं डैडी। बोलकर गए तो कोई बात नहीं, तुम जाकर एक बार दरवाजा खटखटा लो। मैं सब खत्म होने से पहले दरवाजा खटखटाया तो वो मुझे बैड गर्ल कहेंगे। मैं गुड गर्ल हूँ ना। हाँ तुम बहुत गुड गर्ल हो बेटा। दरवाजा खटखटा कर डैडी को बोलो अंकल, कि मेरा मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओगे ना अंकल। गधी है तू गधी, वहाँ पहले से इतना सारा रखा हुआ है, वो तो खा। बैड अंकल, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एनी प्रॉब्लम? कम। हेलो सर। राघव ने सब बता दिया ना? हाँ बता दिया सर। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें तुम अपने योनिंग से सबको सुला रहे थे, पर तो मुझे वो आइडिया नहीं आया। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो कहाँ है सर वो? ऊपर है, आओ प्लीज। हाँ। तुम योनिंग करते हो तो तुम्हें नींद आनी चाहिए। मुझे कैसे आ सकती है? हाँ आएगी मैडम, आप देखिए। पागल हो गया। ए पुरुषोत्तम, मैं हंस रही हूं ना, तो तू भी हंस, हंस ना। सर, इनको समझाने से कुछ नहीं होगा, इनको तो अस्पताल ही ले जाना होगा। मुझे तो ये एक तरह की बीमारी लगती है सर। सो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी करके इसे सुला दो ना। पर मुझे नहीं आ रही है सर। तुम उसे ऐसे ही देखते रहो, अपने आप आ जाएगी। हाँ। सर ज्यादा देखने से मुझे उल्टी आ रही है। ऐसा मत कहो, प्लीज ट्राई करो, ट्राई। तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? पता नहीं, ट्राई कर रहा हूं सर। अरे तुम्हारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? ये क्या कर दिया? ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता सर। भाई मैंने तुम्हें इसे सुनाने को कहा था, गिराने को नहीं। अरे उठाओ मुझे। मैं जा रहा हूँ सर। अरे कहाँ जा रहे हो, इसे उठाएगा कौन? उठाओ मुझे। उठाओ ना। उठाओ मैंने कहा। अरे ईश्वर ये क्या कर रहा है? सारे लोग बोरिया उठा कर ले जा रहे हैं और तू छोटी सी थैली लेकर झुलाते हुए आ रहा है। छोटी मैम साहब ने इसे कचरा पेटी में फेंकने के लिए बोला है जी। छोटी मैम साहब कौन है? मैं हूँ शांतनु द ग्रेट। इधर ला, जा जाकर बोरिया उठा। अरे बाप रे, हे भगवान माफ करना परमेश्वर। भगवान की विभूति को कचरे में फेंकने के लिए कहा उसने, अकल नहीं है क्या उसे? तू भी एक नंबर का गधा है, गधा कहीं का, बेवकूफ। हे परमेश्वर माफ करना। विभूति समझ के वो पाउडर को खा रहा है। आहा हा, पूजा का पंचामृत जितना स्वादिष्ट होता है, ये विभूति भी उतना ही स्वादिष्ट है। घोड़े की तरह गुर्रा रहा है। वाह, अरे ऊपर स्वर्ग में आ गया मैं तो। मुरली कृष्णा। ए, कौन है? किसने मुझे मेरे नाम से पुकारा? कौन है वो? मैंने। मैं कौन? इधर आ रे, देखता क्या है, इधर खड़ा रहे, जल्दी आ।
चोरे, कौन है जो मुझे नाम से बुला रहा है? कह रहा था असल में नाम क्यों रखा जाता है पता है? बुलाने के लिए रखा जाता है, समझा? मेरी बेटी जो ड्रग्स लेती है कहीं इसने तो नहीं ले लिया? क्या हो गया जी आपको? अंदर चलिए। अरे तुम क्या भाई, अरे हमें लड़का पैदा हुआ है क्या? पुड़िया खाने पर स्वर्ग के साथ साथ संतान लाभ भी मिलता है। चुप रहिए साहब जी, माफ कीजिए, पता नहीं। बंद कर। बेटी इसे नशा चढ़ गया है। हमारे बीच में तू मत बोल। मेरे हाथ के नीचे काम करते हो और मेरी बीवी पर लाइन मारते हो? मैंने कभी तुम्हारी बीवियों की तरफ आंख उठाकर देखा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तू कौन है रे? तू भी यहाँ नया आया है क्या? उसने भेजा है तुझे? रोज नए नए को बुलाता है वो। चल जा यहाँ से, नौकरी वोकरी नहीं है यहाँ। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, लगता है इसके अंदर भूत आ गया है। चलिए। अरे मुरली, तेरे पास मुरली भी नहीं है और पंख भी नहीं है। ये पैकेज मैंने फेंकने के लिए दिए थे, इन्होंने ही खा लिए होंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप अंदर चलिए। सुबह से मैं इसको बुला रहा हूँ, मेरे नाम से डरता है ये। क्या करें? चीफ जाकर थोड़ी देर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। वो कौन है रे? ओ, सेटिंग हो गई क्या? तू मामूली इंसान नहीं है रे? मेरे बीवी को एक बेटा दे दिया, इसको भी एक बेटा दे दे, जा। सॉरी। क्यों रे? हाई स्पीड में क्यों आ रहा है तू? ड्यूएट करने वाला है क्या? अरे ये क्या, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो चलो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, काम करो। अरे तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं? आहा, मैं यहाँ इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ और ये इधर अकेली बैठकर पत्थर के साथ खेल खेल रही है। नंदिनी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, देखता हूँ। रुक तुझे। ए, कौन है रे तू? तुझे क्या दिख रही हूँ मैं? मम्मी, सेम टू सेम रजनीकांत की तरह लग रही है और इसी वजह से हमारे मनप्पा जी बेटी के वापस आने की खुशी मना रहे हैं, और तुझे लाकर उनको सौंपने की वजह से तेरे कमीने मामा नंजे गौड़ा ने मेरे गाल पे कितना जोर से मारा, ये देख लाल निशान हो गए हैं। ओहो, तो तू ही मुझे यहाँ लेकर आया था? हाँ, मैं ही, इस गांव का चहिता छोटा चिंटू। वो सब तो ठीक है, तू हमारे मनप्पा जी की बेटी है ये मैंने कैसे पहचाना, जानती है? वो तेरे पीठ पे जो नंदी का गोदना है उसे देख कर। अबे छोटा चिंटू, तूने मेरी पीठ क्यों देखी? अरे मेरी बात तो सुन। अरे लग रहा है पहले लाल निशान है। बेवकूफ, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद तुझे अपने रास्ते जाना चाहिए था ना। दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग मिलते हैं, तो वो सबके सब मेरे माँ बाप हो जाएंगे क्या? हाँ चल निकल अब। तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं कहाँ फंस गया रे? अरे मामी। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी। ओए ओए ओए, रुक, भिखारी कहीं के कहां चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूं? तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूं। मैं नया हूं तो क्या मतलब, कुछ भी बोलेगा तू। चल भाग यहां से भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूँगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? अबे कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। हाँ? तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। इसकी तो ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बिल्ली मुझे से मैं अभी किसी को बुलवा कर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। भिखारी के पास फोन? देखा, देखा देखा, अब तो समझ जा, इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है? जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा, मुझे पागल समझा है क्या? भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से, भाग। जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझे, चल भाग, वहां जाके बैठ जा। इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकलकर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया। अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे सीईओ हैं, हम सबके बॉस। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर, पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना?